हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इन सभी टॉपिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मेरी दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं मैट्रिक्स के ऊपर, सो प्लीज चेकआउट दीज वीडियोस। दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी YouTube फैमिली से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो सबसे पहले कर लेते हैं सीएलसी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई मैट्रिक्स के साथ। सबसे पहले आपको लिखना है आई ई वाई ई और पैरेंथेसिस यूज करना है। लेट्स से कि मैं अंदर लिख देता हूं थ्री। यू हैव टू राइट थ्री इन साइड द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। हेयर यू कैन सी यू हैव 3x3 मैट्रिक्स, और यू कैन राइट लाइक दिस विद द डिफरेंट डायमेंशन 3,4। एंड इफ यू वॉन्ट द सेम रो एंड कॉलम यू हैव टू सिंपली राइट 4। इफ यू वॉन्ट लाइक 4 रोज एंड 4 कॉलम सिंपली राइट 4। सो दिस विल गिव यू अ 4x4 मैट्रिक्स। सो दिस इज योर वॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना आसान है। सिंपली आपको जो कमांड्स है वो लिखनी है और जो डायमेंशन है वो आपको डिसाइड करनी है कि कितना डायमेंशन आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इस मैट्रिक्स को बना सकते हैं इजीली। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी मैट्रिक्स की, जीरोज। जैसे हमने आई मैट्रिक्स को बनाया था, ऐसे ही आपको जीरोज मैट्रिक्स बनानी है। लेट से मैं लिख देता हूं थ्री, तो आपके पास आ जाती है एक 3x3 मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर आपको डिफरेंट डायमेंशन की मैट्रिक्स चाहिए तो आप सिंपली लिखेंगे 3,4। सो हेयर यू कैन सी कि आपके पास आ चुकी है एक 3x4 की मैट्रिक्स, जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। लाइकवाइज यू कैन क्रिएट अ मैट्रिक्स कॉल्ड वंस, जिसमें होंगे सिर्फ वंस। यू हैव टू राइट थ्री एंड प्रेस एंटर। सो हेयर यू कैन सी यू हैव अ 3x3 मैट्रिक्स, और इफ यू वॉन्ट अ डिफरेंट डायमेंशन सिंपली यू विल राइट 3,4 और लाइक 3,5। सो यू कैन क्रिएट एनी मैट्रिक्स विद अ डिफरेंट डायमेंशन। फ्रेंड्स, आई वॉन्टेड टू शेयर वन थिंग दैट आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो वेरी लेटली, सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई वॉज बिजी इन कंडक्टिंग अ वर्कशॉप इन GVMGC कॉलेज इन सोनीपत। सो वेरी सून यू विल ऑल्सो गेट दैट वीडियो ऑल्सो। Now let's say you have a matrix like this, and these are the elements 1, 2, 3, semicolon 4, 5, 6, semicolon 7, 8, 9. So here is your matrix. Now write sum of x. That means आपको sum लिखना है और उस मैट्रिक्स के वेरिएबल का नाम लिखना है और सिंपली प्रेस करना है एंटर। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ वैल्यूज आ चुकी हैं, 12, 15, 18। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, 12 इज लाइक 7 + 4 + 1, दैट मींस सम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम नंबर 1, एंड देन 15 इज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम नंबर 2। 8 + 5 + 2, दैट मीन्स 15, एंड देन लास्ट इज 18, 9 + 6 + 3, दैट मीन्स सम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम नंबर 3। नाउ सिंपली राइट मीन MEAN ऑफ x एंड प्रेस एंटर। So here you can see you have a
mean of column number 1. That means 7 plus 4 plus 1, that means 12. 12 is divided by 3, so you will get 4. And 5, that means 8 plus 5 plus 2, that means 15. 15 is divided by 3, so you will get 5. And then 9 plus 6 plus 3, that means what? 18. 18 is divided by 3, that means you will get 6. बेसिकली हमने इसमें फाइंड किया है एवरेज ऑफ द कॉलम नंबर 1, 2 एंड 3. इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉलम नंबर 1 में एलिमेंट है हमारे 3, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया है और एवरेज फाइंड कर लिया है. तो दोस्तों अब बात करते हैं मिन कमांड के बारे में. आपको सिंपली लिखना है मिन ऑफ एक्स, ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखना है जो आपकी मैट्रिक्स है, और आपको प्रेस करना है सिंपली एंटर. तो दोस्तों जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको कुछ एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3. तो दोस्तों इसका मतलब है कि कॉलम नंबर 1 में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. सो आउट ऑफ 1, 4, 7 वी हैव 1 इज मिनिमम एंड देन 2 इज फ्रॉम द कॉलम नंबर 2 एंड 3 इज मिनिमम फ्रॉम द कॉलम नंबर 3. सो लाइकवाइज यू कैन यूज max of x and press enter. So here you will get three numbers 7, 8 and 9. That means maximum from the column number 1, column number 2 and column number 3. So guys, this is all for this video. Thank you so much for watching this video. सो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है बाय यूजिंग दी आई वंस एंड जीरो. तो जैसा कि आपको मैंने सिखाया जो मेरे इससे पहले के वीडियोस हैं, तो आपने सीखा कि कैसे हम मैट्रिक्स को बना सकते हैं, और आज आपने सीखा कि कैसे इन कमांड्स को हम यूज कर सकते हैं और एक मैट्रिक्स बना सकते हैं. तो इन सभी मैट्रिक्स को यूज करके आपको एक नया मैट्रिक्स बनाना है, ये वाला जो मैंने आपको दिया हुआ है. आप कोशिश कीजिए, अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्यों नहीं बन रहा है.